फास्ट न्यूज में एक बार फिर आपका स्वागत है। बरेली के चौपला रोड सेवा केंद्र पर 15 अगस्त के उपलक्ष्य में खास सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन सेवा केंद्र प्रभारी बीके पार्वती, बीके नीता और बीके पारुल की उपस्थिति में हुआ संपन्न। मेरा देश मेरी माटी अभियान के तहत महाराजगंज में कार्यक्रम। बीके रूपा ने कहा कि हमारा भारत देश महान है, हमने भारत में जन्म लिया है, इस पर हमें गर्व होना चाहिए। मौके पर डॉक्टर विजय लोहिया, सुपरवाइजर रेखा लोहिया समेत कई लोगों ने राष्ट्र ध्वज फहराकर मिलकर गाया राष्ट्रगान। जैसा कि हम जानते हैं, भारत एक स्वतंत्र देश है। आज प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की ओर से ब्रह्म कुमारी रूपा बहन जी ने हमको मेरा भारत मेरी माटी पे बहुत अच्छे उपदेश दिए। इसमें हमको तिरंगे का महत्व समझाया गया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत स्नेह मिलन कार्यक्रम संपन्न। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुनीता ने कहा कि आध्यात्मिकता के आधार से ही पत्रकारों को सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त हो सकती है। गया के एपी कॉलोनी सेवा केंद्र पर मीडिया कर्मियों के लिए आयोजित स्नेह मिलन सम्मेलन में बोले सभी मुख्य वक्तागण। वहीं धमतरी सेवा केंद्र के द्वारा इंडिपेंडेंस डे के उपलक्ष्य में निकाली गई रैली, सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरिता ने वीर सपूतों के बलिदान की दिलाई याद, अपने अंदर से बुराई छोड़ने का कराया संकल्प। वहीं रीवा के इंदिरा नगर उप सेवा केंद्र पर भी मनाया गया स्वतंत्रता दिवस। सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीरू ने तिरंगे की भूमिका को किया स्पष्ट। बीके उर्मिला ने कराया राजयोग मेडिटेशन। आगे टोंक सेवा केंद्र पर मेरा माटी मेरा देश अभियान के तहत मिट्टी को नमन, वीरों का वंदन कार्यक्रम। डीवाईएसपी सलेम मोहम्मद, सेवा केंद्र प्रभारी बीके अपर्णा ने निस्वार्थ भाव से कर्तव्य निष्ठ होकर देश की सेवा कर रहे वीर सपूतों को किया याद। सूबेदार रामलाल यादव ने ईमानदारी से मेहनत करने की कही बात। आज प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा टोंक में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये कार्यक्रम विशेष रूप से हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चलाया जा रहा है, जो कि 9 अगस्त से 30 अगस्त तक इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसमें जो बताया गया है कि विशेष रूप से वीर वीरांगनाओं का सम्मान, कि जिन वीर वीरांगनाओं ने हमारे देश की रक्षा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनके सम्मान के लिए, उनकी स्मृति, उनको हम इस समय याद करें, उसके लिए ये मनाया गया है। वहीं दिल्ली के कराला सेवा केंद्र प्रभारी बीके ललिता ने हर घर तिरंगा के उपलक्ष्य में 77वें अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम किया आयोजित। भारत को फिर से संपूर्ण और भरपूर बनाने पर दी जानकारी। रैली निकालकर लोगों में देश प्रेम की भावना को किया जागरूक। इसके साथ ही कराला सेवा केंद्र प्रभारी बीके रूबी ने स्वतंत्रता दिवस पर विधायक राजेंद्र लाकड़ा से की मुलाकात, परमात्मा का परिचय देते हुए भेंट की ईश्वरी सौगात। जमशेदपुर के उलियान में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बीके संजू और बीके अलका ने की मुलाकात, ईश्वरी सौगात देकर दिया ईश्वरी संदेश। भुवनेश्वर में एमआर एक्वाटेक के एमडी रमेश दास और डायरेक्टर डॉक्टर जयंती दास के निमंत्रण पर बीजेपी नगर सेवा केंद्र के द्वारा रक्षाबंधन और वृक्षारोपण कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी बीके तपस्विनी ने पर्व का महत्व बताते हुए सभी को बांधे राखी, पौधे लगाकर प्रकृति की सुरक्षा का भी लिया संकल्प। यूपी में बाराबंकी के प्रभागी वन अधिकारी रुस्तम परवेज से बीके रामसेन ने की मुलाकात, ग्लोबल समिट के कार्यक्रम में माउंट आबू आने का दिया निमंत्रण। वहीं पश्चिमी दिल्ली के उत्तम नगर में भोलेनाथ द्वादश ज्योतिर्लिंग दर्शन मेले का आयोजन, सेवा केंद्र प्रभारी बीके विमला, पार्षद पुष्पा शर्मा ने किया उद्घाटन। राजयोग द्वारा सभी ने की गहन शांति की अनुभूति, परमात्मा शिव के सत्य परिचय से सैकड़ों लोग हुए अवगत। मौके पर नेत्र, शुगर और बीपी जैसे अन्य जांच का भी निशुल्क आयोजन।
खंडवा में शिव के सज्जनियों का दिव्य समर्पण सम्मान समारोह संपन्न। सेवा केंद्र प्रभारी बीके शक्ति समेत हजारों लोगों की उपस्थिति में 6 कन्याओं ने शिव को माना अपना वर, आजीवन ईश्वरी नियमों पर चलकर जग कल्याण करने का लिया संकल्प। वहीं आगे पखांजूर सेवा केंद्र पर भाइयों के लिए खास योग साधना कार्यक्रम। माउंट आबू से वरिष्ठ राजयोग प्रशिक्षक बीके भगवान, कांकेर सेवा केंद्र प्रभारी बीके रामा, स्थानीय सेवा केंद्र प्रभारी बीके शानू समेत अनेक सदस्यों के रहे मौजूदगी। आत्मिक दृष्टि का सभी ने किया अभ्यास। इसके साथ ही पखांजूर सेवा केंद्र पर सशक्त नारी समाज की धरोहर विषय पर एक दिवसीय राजयोग ध्यान साधना कार्यक्रम। सभी वक्ताओं ने कहा कि नैतिकता और आध्यात्मिकता द्वारा ही हम स्वयं को सशक्त बनाकर पूजनीय बना सकते हैं। आगे राजनांदगांव ब्रह्म कुमारी और जन शिक्षण संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में स्वर्णिम संसार का आधार सुसंस्कृत एवं सशक्त नारी विषय पर कार्यक्रम। महिलाओं को दिए गए प्रमाण पत्र। बीके पुष्पा ने कहा कि जीवन में आध्यात्मिकता को अपनाना ही सशक्तिकरण है। डिडवाना सेवा केंद्र पर अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के तहत आयोजित हुआ FLN शिक्षक प्रशिक्षण शिविर। बीके बसु ने स्वयं के आत्मिक गुणों की पहचान कर कर्मों को श्रेष्ठ बनाने पर खिंचवाया ध्यान। ग्वालियर के तानसेन नगर सेवा केंद्र के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर कार्यशाला। योगाचार्य दीपेंद्र तिवारी ने आध्यात्मिक स्वास्थ्य में योग का बताया महत्व। कई प्रकार की गतिविधियां आयोजित। सेवा केंद्र प्रभारी बीके सुधा ने बताया युवाओं में सहन शक्ति की कमी है। फास्ट न्यूज में इतना ही। अन्य खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज़।